हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट कुकिंग बाय भावना। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोकोनट मिल्क की रेसिपी। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत बेनिफिशियल है, एक हेल्दी रेसिपी है, वेट लॉस में आपका हेल्प करेगी, आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कोकोनट मिल्क बनाना। कोकोनट मिल्क बनाने के लिए हमें इस टाइप का कोकोनट चाहिए। जो बालों वाला जटा वाला कोकोनट आता है हमें वो चाहिए। आपको गोला या सफ़ेद जो हरा वाला पीने वाला कोकोनट आता है हमें वो नहीं चाहिए। हमें ये जटा वाला कोकोनट चाहिए। इसको अंदर से निकाल के मैंने इस तरीके से कोकोनट लिया है। फ्रेश कोकोनट आपका नारियल होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है जितना आपका नारियल होगा उसका डबल आपको पानी लेना है। ये कोकोनट गया ब्लेंडर में, देन आपका डबल इसमें पानी जाएगा। मैंने एक ये वाली बाउल कोकोनट लिया था, अब मैं इसको डबल इसमें पानी डालूंगी। बस आपको और कुछ नहीं करना है। हेल्थ बेनिफिट से बहुत ही हेल्दी होता है कोकोनट मिल्क। देन हमें इसको ब्लेंड करना है। इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ये देखिए, हमें बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ऐसे। अब हमें इसे किसी कपड़े में या स्टेनर में इसे इस तरीके से हम इसे स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद हम इसे प्रेस करेंगे और इसके मिल्क ऐसे इसमें से निकालेंगे। अच्छे से इसे स्टेन करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा गाढ़ा न्यूट्रिशियस कोकोनट मिल्क हमारा बनेगा। ये देखिए, ये हम एक्स्ट्रा यहाँ इकट्ठा करेंगे। इससे हम क्या कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये मैं पूरा का पूरा स्टेन करूंगी अच्छे से। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वेट लॉस अगर आप चाहते हैं तो आप कोकोनट मिल्क डेली में कंज्यूम करिए। आप इसकी स्मूदीज बनाइए, बच्चों को दीजिए। बहुत बेनिफिशियल होता है कोकोनट हमारी हेल्थ के लिए। इसको मैं अभी एक बार साइड कर देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा कोकोनट मिल्क। इसे मैं एक ग्लास में आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये आपका कोकोनट मिल्क रेडी। ये आप 2 to 3 days आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब टर्न आती है जो स्टेन करने के बाद हमारा जब कोकोनट मिल्क रेडी हो गया, इसके बाद जो हमारे पास ये बचा हुआ कोकोनट है हम इसका क्या करेंगे। आप इसे एज अ स्क्रबर अपने स्किन पे लगा सकते हैं। ये आपको बहुत ही ग्लोइंग स्किन देगा। सेकंड, आप इसका क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर खांड डालिए, पिसा हुआ गुड़ डालिए जिसको जैगरी पाउडर कहते हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालिए और आप इसका एक बहुत ही हेल्दी आप इसके लड्डू रेडी कर सकते हैं जो आपको एक और हेल्थ बेनिफिट देंगे एंड और वो आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे। तो कोकोनट मिल्क भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है एंड जो इसका कोकोनट बचा हुआ आपका जो बनेगा ये भी बहुत बेनिफिशियल है। इसको आप सैलेड में ऊपर से ड्रेसिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और आप अगर कोई सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो कोकोनट मिल्क बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा।